नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपने आपके आसपास कई सारी कंपनीज के लोगों को या मोटोज, जिसे हम हिंदी में ध्येय वाक्य या ब्रीद वाक्य भी कहते होंगे, उन्हें देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका अर्थ क्या है, वह इन्हें कहाँ से लिया गया है, इनका ओरिजिन कहाँ का है? तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे गवर्नमेंट के टॉप 8 संस्थानों के ब्रीद वाक्य जो कि संस्कृत में है, उनका अर्थ और उन्हें किस ग्रंथ से लिया गया है इसके बारे में। अब ये जो भी मोटोज, ब्रीद वाक्य, ध्येय वाक्य हैं, ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है पता है? क्योंकि यह सारे वाक्य किसी भी कंपनी या संस्था की कार्यशैली, उनके सिद्धांत वो उनके उद्देश्य को कम शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये हमारे एक प्रकार से कह सकते हैं गवर्नमेंट का लोगो है और न्याय व्यवस्था का भी लोगो। आप सभी को पता ही होगा कि इसका मोटो है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया कि इसे किस ग्रंथ से लिया गया है? नहीं किया तो अभी जान लीजिए। यह वाक्य हमारे अनेक उपनिषदों में से एक मुंडक उपनिषद में से लिया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की ओर, जिसका ध्येय वाक्य है यतो धर्मस्ततो जयः, अर्थात जहां धर्म है वही विजय है। अब यहाँ पर धर्म यानी सत्य, जहां सत्य है वही जीत है। यह वाक्यांश विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ महाभारत से लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारी देश की नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की ओर। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी देश की नौसेना अपना अधिकतम समय समुद्र में व्यतीत करती है, इसलिए उनका ब्रीद वाक्य है शन्नो वरुण, अर्थात हे समुद्र के देव हमारे लिए शुभ हो, यानी कि हमारी रक्षा करें, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। अब हम जानते हैं हमारी देश की वायुसेना यानी कि एयर फोर्स के ब्रीद वाक्य के बारे में, जो कि है नभम स्पृशम दीप्तम, जिसका अर्थ है आकाश को छूता हुआ तेज। क्या आप सोच सकते हैं कि यह वाक्य कहां से लिया गया होगा? सोच लिया? अब मैं आपको बताता हूं, यह वाक्य भगवद गीता के 11वें अध्याय के 24वें श्लोक से लिया गया है। जब भगवान कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन के समक्ष दिखाते हैं, तब अर्जुन भयभीत होकर उनसे कहता है कि आपका तेज आकाश तक छू रहा है ना? कितना सटीक वाक्य हमारी वायुसेना की गरिमा को व्यक्त करने के लिए चुना गया। अब हम बढ़ते हैं रॉ की ओर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि हमारी देश की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है, जिसका ब्रीद वाक्य है धर्मो रक्षित रक्षित, धर्म तुम्हारी तब रक्षा करता है जब तुम धर्म की रक्षा करते हो। अब यह धर्म का अर्थ है नियम। जब तक आप नियमों का पालन करोगे, नियमों की रक्षा करेंगे, तब तक नियम आपकी रक्षा करेंगे। यह वाक्यांश मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक से लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे देश की प्रशासकीय सेवाओं की ओर यानी कि सिविल सर्विसेज, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे IAS की, जिसका कि ब्रीद वाक्य है योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है, जो कि भगवद गीता के 2वें अध्याय के 50वें श्लोक से लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारी देश की और एक प्रशासकीय सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन विभाग के ब्रीद वाक्य की ओर, जो कि है अरण्यते पृथ्वी सियो नमस्तु, जिसका अर्थ होता है कि हमारे जो भी जंगल है वो पृथ्वी के आनंद की अभिव्यक्ति है, जो कि अथर्ववेद की एक ऋचा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे देश की सबसे सुप्रसिद्ध संस्था जिससे भारत का हर घर आज परिचित है, LIC भारतीय बीमा निगम, जिसका कि ब्रीद वाक्य है योगक्षम वहाम्यम, अर्थात आपने जीवन में जो भी प्राप्त किया है या आपके पास जो भी है उसकी रक्षा करना है ना। ये भी कितना सटीक ब्रीद वाक्य, जो कि LIC की पूरी कार्यशैली वो उनके सिद्धांत को व्यक्त करता है। और यह भी हमारी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से लिया गया है। यह थे कुछ प्रसिद्ध संस्था के टैगलाइन के अर्थ। यदि आपको भी कुछ टैगलाइंस के अर्थ पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप यह ज्ञान औरों के साथ बांटना चाहते हो तो आपके मित्रों के साथ यह शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
बाय।